और नीतीश बाबू को किसी जाति से मतलब नहीं, मैं बता दूंगा, वो सिर्फ उनका व्यक्तिगत च्वाइस रहता है, बल्कि इनके खास बिल्कुल जो कहते हैं वो है, इनके साथ जो लोग रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि भागलपुर के दो मिश्रा बंधु हैं, दोनों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए हुए। ये तो सच है, दोनों बातें सच है। नीतीश जी पिछड़ों के बारे में बात करते हैं और उन्होंने मुझे और मेरे भाई को मंत्रियों का दर्जा दे रखा, सच बात है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमारे हाथ में आप अभी एक जो पुस्तक देख रहे हैं, नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र में, और हमारे साथ, ये हमारा सौभाग्य ही कह लीजिए कि हमारे साथ इस पुस्तक के जो लेखक हैं, नीतीश कुमार के परम मित्रों में रहे उदयकांत जी हैं। उदयकांत जी से ही हम जानेंगे कि हमें तो जितना किताब को पढ़ना था हमने पढ़ा। उदयकांत जी, पहले तो आपका स्वागत है। कि आजकल दो दिन पहले एक बिहार माने भारत सरकार में भी मंत्री रहे नीतीश कुमार के बड़े अतरंग मित्रों में से रहे आप जैसे। अतरंग कौन? हाँ, आरसीपी सिंह क्यों आपसे नाराज है? आरसीपी सिंह बड़े नाराज हैं। आप दोनों भाइयों पे बयानबाजी उन्होंने परसों की है कि नीतीश जी जहाँ बात करते हैं पिछड़ी जातियों की, जनजातियों की, बैकवर्ड क्लास की, वहीं भागलपुर के मिश्रा बंधुओं को उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दे के रखा है। ये तो सच है, दोनों बातें सच हैं। नीतीश जी पिछड़ों के बारे में बात करते हैं और उन्होंने मुझे और मेरे भाई को मंत्रियों का दर्जा दे रखा, सच बात है। उसका मेरिट आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आरसीपी क्यों नाराज़ है वो हम जानते हैं। आरसीपी जी को मैं 25 वर्षों से जरूर जानता हूँ, काफ़ी दिनों से जानता हूँ मैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं वो तो सवाल, उसका उत्तर आपको वही देंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि मैं बिहार आना नहीं चाहता था। मैं पटने में, दिल्ली में बहुत अच्छी तरह सेटल था। नीतीश कुमार जी को ऐसा लगा कि मेरे आने से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में परिवर्तन आएगा, और ईश्वर की कृपा से आया भी। इसी प्रकार से उनको ये समझ में आई बात। मैं इस देश के, ऐसे कहते मुझे संकोच होता, लेकिन उस ज़माने में मेरी गिनती काफ़ी वरिष्ठ और समझदार इंजीनियरों में होती थी। मैं कई कॉलेज में पढ़ाता था, विभाग में भी। हमने देश में पहला इंटेलिजेंट जो कहते हैं बिल्डिंग बनवाई, वो पहला हमने उन्हें काम किया था। तो नीतीश जी इन चीज़ों को जानते थे, उन चीज़ों को बिहार में लाना चाहते थे, इसलिए मुझको पहले ज्ञान विश्वविद्यालय में लेकर आए, और फिर वो मुझको लेकर आए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। मैं आपको अपनी डायरी दिखा दूँ, मैंने 3 बार रिज़ाइन किया। मेरी आयु इतनी हो गई, मैं अपनी माँ के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि आज आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है जहाँ मैं काम करता हूँ, इसने राज्य के 2.5 करोड़ बच्चों को आपदा के प्रति सचेत किया है। 90 लाख या कितने, मुझे ठीक से संख्या याद नहीं, लेकिन इतने लोगों को, शिक्षकों को ट्रेन किया है आपदा के बारे में। हमने राज्य में तैराकी की शिक्षा दी है, हर कस्बे में जाके तैराकी सिखा रहे हैं बच्चों को, डूबने से बचने वालों की संख्या में कमी आए। हमने बिजली गिरने से मरने वालों की मौत, डूब के मरने वालों की मौत, जो भूकंप से भवन गिरते हैं उनको बचाने के लिए काम, ऐसा देश में बहुत कम हुआ है। आपको जान के बहुत खुशी होगी, स्वभाव से मैंने ये समझने की कोशिश की कि जो लोग खेत में काम करते हैं वो बिजली गिरने से मरते हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता, उनके पास आप कोई संदेश नहीं भेज पाते, इसलिए वो मर जाते हैं। तो उनके लिए एक तावीज़ बनाई जाए, एक ऐसा लॉकेट बनाया जाए जो उनके शरीर में लटका रहे, और वो उनको सचेत करे कि अभी बिजली गिरने वाली है, तुम सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, और वो ये भी बताए कि तुमसे सबसे करीब में सुरक्षित स्थान कहाँ है, तुम कहाँ जा सकते हो। ये IIT की सहायता से हम बना चुके हैं। ये पूरे राज्य में आप अगले 2-3 महीनों में देखेंगे कि ये चीज़ किसी भी आपदा के बारे में सूचना देने के लिए, चाहे आप गले में लटका लें, चाहे बाहों में बांध दें, चाहे कमर में करधनी की तरह कर लें, स्पीकर जैसी आवाज़, उसमें आवाज़ आएगी, वो वाइब्रेट करेगा, उसका रंग बदलेगा, वो आपको लाल या पीला रंग, अगर वो शांत है तो आपको पहले लाल रंग से चेतावनी देगा, फिर हरा होकर वो बताएगा ठीक हो गया। और ये इसमें हम सफल हो चुके हैं, सबसे बड़ी बात बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है, देश के लिए बड़ी बात, देश में कभी ऐसा काम नहीं हुआ पहले कभी। हम लोगों ने जो सुरक्षित तैराकी योजना शुरू की वो देश में पहली बार हुआ। तो शायद क्या इसी सब चीज़ों को देख के कहीं आरसीपी आपसे नाराज हैं कि नीतीश कुमार अपने अतरंग मित्रों के लिए सब कुछ करते हैं? मैं इसका कैसे इंटरव्यू जब मैं ये इसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ, मुझे ये बताइए। आरसीपी जी को मैंने शुरू से देखा, बहुत कर्मठ आदमी रहे, बहुत मेहनती व्यक्ति रहे, नीतीश जी के लिए दिन रात एक करके उनके वो कहना चाहिए उनको सर करते रहे। और नीतीश जी ने भी, जब वो आरसीपी बीमार हुए, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, सारी रात नीतीश जी अस्पताल में बैठे रहे उनके लिए,
आरसीपी जी को जब ख्वाहिश हुई कि वो राजनीति में आए तो नीतीश ने उनको बहुत समझाया था और ये मेरी जिम्मेदारी बनी थी व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ कि मैं उनकी पत्नी और उनसे बात करके फिर नीतीश को आगे बताता था। मैं कितना दौड़ा हूँ इन दोनों परिवार के बीच में आपको मालूम नहीं है। अंत में एक समझौता हुआ कि अच्छा इनको राज्यसभा में भेजने की कोशिश की जाए। तो उस वक्त नीतीश पर जाती थे आरोप लगाएंगे आप एक कर्मठ व्यक्ति को जो IAS अफसर रहा जिसने इतना काम किया जिसे राज्य की राजनीति की इतनी समझ थी उसको उन्होंने राज्यसभा भेजा तो क्या जातीयता की उन्होंने? आरसीपी सिंह उन्हीं की जाति के हैं ना, तो कि वो जातीयता की या किसी व्यक्ति की प्रतिभा का सम्मान किया ये मुझे बताइए। प्रतिभा का सम्मान तो उस समय उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊं मैं अपने मेरिट से अपने बैच का टॉपर हूं UPSC में। अच्छा तो मुझे किसी नीतीश कुमार जी जैसे और मैं आपको बताऊं मैं बहुत अच्छी नौकरी छोड़कर बिहार लाया गया हूं सिर्फ इसलिए कि इस राज्य का काम करना। जहां तक मेरे छोटे भाई साहब का आप जिक्र कर रहे हैं वो इस राज्य के वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं मोटिवेटर और ट्रेन उनके साथ उन्हें इतने लड़कों को ट्रेन किया अभी तक बच्चों को नौजवानों को उसमें NIFT के 25% बच्चे उनके साथ उनके पढ़ाए हुए हैं। बैंकों में काम करने वाले प्रोफेशनरी अफसर करीब करीब 10% उनके बताए हुए हैं। वो अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने घूम के बहरे व्यक्ति को ट्रेन करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्लास 1 अफसर बनवाया कई लोगों को बनवाया दलितों को गरीब लोगों को। उनकी छवि उनकी छटा बिल्कुल अलग है। उस व्यक्ति के प्रति अगर कोई ऐसा कहता मेरे बारे में तुम 10 बातें लगा लो यार मैं उसका मित्र हूँ उनका मित्र नीतीश कुमार जी का उस दूसरे जो जिनके बारे में मेरे भाई के बारे में कह रहे हैं उनका क्या यही अपराध सवर्ण है वो उन्होंने हाँ, जो ये जो उदय गांधी आपने बात कहा कि उनका जब हम उनसे तमाम मीडिया बैठी हुई थी तो उनसे और ये जातिगत जनगणना जो नीतीश जी ने कराई है उसकी कहीं वाहवाही भी हो रही है कहीं उसकी आलोचना भी हो रही है तो उसी में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना करा के फ़ायदा क्या है नीतीश कुमार जी को अपने अतरंग मित्रों को। तो हमने पूछा उनसे कि भाई अतरंग मित्र कौन है तो भागलपुर के मिश्रा बंधुओं को उन्होंने तो राज्य मंत्री का दर्जा दे के रखा है जाकर पूछिए उनसे इस पर आप। नहीं मैं आपको वही बता रहा हूँ आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। आज कितने उनके एक चीज़ याद रखिएगा आप अगर नीतीश कुमार जी का इतिहास देखेंगे कॉलेज के दिनों में उनके अंतरंग मित्रों में अधिकांश सवर्ण हैं चाहे कौशल किशोर हों चाहे अरुण कुमार हों चाहे हम लोग उसको क्या कहते हैं एक क्षत्रिय व्यक्ति हैं वो 3-4 लोग उनके अंतरंग मित्र रहे कॉलेज में। अच्छा और उनके उन मित्रों का तो तज़किरा हमेशा हो जाता है जो पिछड़ी जाति के या अल्पसंख्यक लोग या इस तरह के लोग उनके मित्र हैं उनकी चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं कहीं? आप कभी शैवाल गुप्ता की बात क्यों नहीं करते हैं? आप खुद रामचंद्र प्रसाद सिंह जी के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? आप उपेंद्र कुशवाहा जी की बात क्यों नहीं करते हैं? आप ऐसे लोगों की बात देखिए एक बात फिर कहने की बात है मैंने पहले आपसे कहा कि आक्षेप लगाने की इच्छा अगर हो लड़ने का मन हो तो कुछ भी कह सकते हैं। पंजाब में एक बड़ी अच्छी कहावत है सास अपनी बहू से कहती है कि तू आटा मोड़ती है तो हिलती क्यों है आटा गूंद रही है तो हिलती क्यों बगैर हिले कोई आटा गूंद सकता है तो ये तो आक्षेप लगाने की बात है इसमें मुझे कोई खास बात लगती नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बहुत कह सकता हूँ कि जितना उन्होंने रामचंद्र बाबू के लिए किया नीतीश जी ने वैसा कोई सगे भाई के लिए नहीं करता। और जिस तरह से रामचंद्र बाबू ने अभी बयान शुरू किए वो मुझको अशोभनीय लगता कई बार अशोभनीय लगता इसकी आवश्यकता नहीं है। आप में प्रतिभा है और प्रतिभा है रामचंद्र बाबू में बहुत प्रतिभा है तो आप अपनी प्रतिभा से आगे बढ़िए दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करके अपनी लाइन बड़ी करना ये छोटी प्रवृत्ति की बात लगती है। मुझे लगता नहीं है कि किसी सभ्य पढ़े लिखे संस्कारी व्यक्ति को ऐसे कहना चाहिए। कहते हैं तो उनका शायद उनकी राजनीतिक मजबूरियाँ रही होंगी क्या रही होगी मैं जानता नहीं हूँ लेकिन मैं आपको दिल की बात कहता हूँ हृदय से कहता हूँ आज भी मैं रामचंद्र सिंह को उनके बच्चों को उनकी पत्नी को बहुत स्नेह करता हूँ और नीतीश जी भी वही करते हैं। व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी आज उनके लिए कुछ भी करने को राजी हैं। नीतीश जी ने किसी का कभी कोई अहित किया हो ये मुझे मालूम नहीं मुझे नहीं लगता। तो हमने आपको आज नीतीश कुमार के तरंग मित्र के जो लेखक हैं और नीतीश कुमार के उन अनछुए पहलू से भी आपका परिचय कराया। मैं मनोज चतुर्वेदी पटना।